इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है और पेश है आज की खबरों का सिलसिला। आज नर्मदा जिला के प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव के अंतर्गत राजपीपला पाठशाला में चुनाव के फॉर्म भरे गए। इस चुनाव में एकता पैनल और सहकार पैनल के प्रमुख पद जैसे महामंत्री, खजांची, सहमंत्री, उप प्रमुख और ऑडिटर जैसे पद पर उम्मीदवारी दर्ज की गई। एकता पैनल के प्रमुख पद पर हरिंद सिंह राहुल जी तथा महामंत्री पद पर भरत भाई पटेल और खजांची पद पर गंभीर भाई बासाबा ने आज बड़े काफिले के साथ भारी जोश और उत्साह के साथ अपनी उम्मीदवारी दर्ज की। बहुत बड़ी संख्या में इनके समर्थक उपस्थित रहे। इस चुनाव के बारे में एकता पैनल के उम्मीदवारों ने क्या कहा वह सुनिए। गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। नर्मदा जिला प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव होने जा रहा है जिसमें एकता पैनल में से प्रमुख पद, महामंत्री और खजांची पद के उम्मीदवार आज हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जानेंगे कि आज का ये जो चुनाव जो हो रहा है, आज ये फॉर्म भरने की तारीख है और यहाँ से उनका काफिला फॉर्म भरने के लिए राजपीपला जा रहा है। तो प्रमुख पद के उम्मीदवार हरेंद्र सिंह राहुल जी से हम बात करेंगे आज। ये पहले तो ये मैं बता दूँ, नर्मदा जिला में ये दूसरी बार चुनाव हो रहा है। हमारी पैनल जब से जिला में चुनाव जीती है तब से ये दूसरा चुनाव है और हमारी पैनल ने पहले अच्छा काम दिया है। इस बार भी हमारे जो प्रश्न है 9-20-31 जो शिक्षकों को प्रश्न मिलते हैं उनसे पुरवनी बिल होता है, जो कोई भी भत्ता मिलता है उसमें देरी होती है, हम आने के बाद वो पदार्थ टाइम सर मिलता है, 9 उच्चतर का पदार्थ धोरण होता है, वो जल्दी से जल्दी हमारे DPO सर से रजूआत करने के बाद जल्दी से जल्दी निकाल हो, ऐसी हमारी रणनीति है। और यहाँ पर हमारे साथ है महामंत्री पद के उम्मीदवार भरत भाई पटेल, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, ये जो चुनाव जो होने जा रहा है उसमें आपने महामंत्री पद पर उम्मीदवारी नोंदाई है, शायद ये चुनाव में आप जीत गए तो आप प्राध्यापकों के लिए किस तरह से कार्यरत होंगे? आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो टीचर लोग ने हमने 2 साल पहले ये देख के मतदान किया था कि नहीं ये लोग आएंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, आज हमने साबित कर दिया है कि 2 साल में हमने टीचरों का बहुत अच्छा काम किया है। हमने शुरुआत में कुछ ऐसा काम था जो कई सालों से ख़त्म नहीं हुआ था, तो शुरुआत में हमने ये काम किया है। आज हमारे टीचरों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स है एक प्रज्ञा अभिगम का है, और दूसरा प्रॉब्लम है कि जो हमारे टीचरों को एक SC पत्र को होता है, इसके बारे में अगर हम जीत जाएंगे तो ऊपरी कक्षा तक इसकी रजूआत करें, नियामक कचहरी सचिव सर से बात करेंगे कि सर इसमें कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए कि जो टीचर लोग को पढ़ाने में सरलता हो जाए, ऐसा हमारा मिशन है। और सभी टीचरों को मैं निवेदन भी करता हूँ कि दोबारा हमको वोट करके हमारी पैनल को विजय बनाए। धन्यवाद। हेलो, हमें एकता पैनल तरफ से अमे आविया छे, जे राहुल जी जिला प्रमुख तरीके छे अने खजांची तरीके गंभीर भाई छे अने सहमंत्री तरीके भरत भाई पटेल छे। अमारी जे पैनल छे अमारे 5-5 तालुका माथी उपप्रमुख, सहमंत्री अने प्रचार मंत्री तरीके अमे सौ अहीं शिक्षकोना टेकानी अंदर आविया छे अने बहुमती एकता पेनल माथी अमे जंगी बहुमती थी अमे आखा नर्मदा जिल्लानी अंदर अमे पेनल माथी अमे जीतीशुं। ने अत्यार सुधीना जे कामगीरीनी अंदर छे आ पहली वार एवी इलेक्शन आव्युं छे के जेओ आ लोकशाही ढबे 5-5 तालुकानी अंदर जिल्ला संघनी जे इलेक्शन थई रह्युं छे ए बहु एक सिद्धि छे। ने दरेक कामगीरीनी अंदर अमे एकता पेनल मार्फते आखा नर्मदा जिल्लानी अंदर 5-5 तालुकाना जे होद्देदारो छे ए होद्देदारो अमे सारी रीते विजय बनीशुं अने आखा संघ मार्फते अमे नर्मदा जिल्लाना प्राथमिक शिक्षकना जे भी प्रश्न हशे अमે હલ કરવા માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ। હું દરેક તાલુકામાંથી 3-3 હોદ્દા માટે સહમંત્રી, ઉપપ્રમુખ અને ઓડિટર તરીકે, પ્રચારમંત્રી તરીકે એક એક મિત્ર હશે, કુલ આમ મળીને 18 સભ્યની ચૂંટણી થનાર છે। આપ સર્વ મતદાર શિક્ષક મિત્રોને અમારી વિનંતી છે કે અમારી પેનલને જંગી બહુમતીથી જીતાડો, જેથી કરીને અમને દરેક કામમાં તમને સહકાર આપવાની સગવડ થાય એ વિનંતી છે, એટલે અમને જંગી બહુમતીથી જીતાડવા આપ સર્વને અમારી નમ્ર અપીલ છે। इंडिया लाइव खबर से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा। आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। बने रहें इंडिया खबर लाइव के साथ। धन्यवाद।